नमस्कार, जी न्यूज पर बहुत स्वागत आपका। बधिरों के विशेष समाचार में आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों के बागी होने की खबर है, जिसमें 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एक विधायक ने अभी तक मतदान नहीं किया है, जबकि एक सीट पर कांटे की टक्कर बरकरार है। बता दें कि आज सुबह समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसके बाद विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी विधायक को धमकाया गया तो किसी को पैकेज दिया गया। अखिलेश ने कहा कि मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता, जनता सब देख रही है। इसके अलावा अखिलेश ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 8 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी के खिलाफ वोटिंग का मतलब सौदेबाजी, जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये दावा किया कि हिमाचल में सरकार बहुमत खो चुकी है, कल बजट के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से यह दावा किया गया कि कल जब बजट हिमाचल का विधानसभा में पेश होगा उस वक्त ही सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, सरकार अल्पमत में हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो जयराम ठाकुर ने कहा कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, बस कल का इंतजार करें। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह कहा कि व्हिप जारी किया गया था, जो विधायक पेश नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। संदेश खाली को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर के बंगाल सरकार पर हमला बोला। प्रेम शुक्ला ने कहा कि शाहजहां और उसके भाई के खिलाफ 800 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ममता बनर्जी को पता है कि शाहजहां शेख कहां छुपा हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने 8वां समन जारी किया है। समन जारी कर जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। सूत्रों की माने तो आज शाम तक दिल्ली के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। शफीकुर रहमान बर्क काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पीएम ने केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो की 3 सुविधाओं का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया, जिसके बाद मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही पीएम ने गगनयान कार्यक्रम के अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का भी ऐलान किया। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। Z News।